कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए KK कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th टू M.Com, CA, CSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस KKCA कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक बार हमारा सबसे मोस्ट अवेटिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत लोगों की तकलीफ बन चुका है, इसलिए ये डिफिकल्ट टॉपिक को आसान शब्दों में फिर से एक बार आपके सामने लेके आया हूं मैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। थोड़ा वक्त आप लोग अच्छे से अगर इसको देंगे तो आपको इसके अंदर एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट बैठ जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसके साथ अच्छे से मैचअप करना है और देखते रहना है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। दोस्तों, लास्ट जो लेक्चर आया था एपिसोड 1 पार्ट 1 में, उसमें हमने देखा था कि कोरिलेशन मतलब क्या होता है। मैंने तब भी समझाया था कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये दो अलग अलग टॉपिक है। कोरिलेशन ये टोटल डिफरेंट है, रिग्रेशन इज डिफरेंट। दोनों के अंदर संबंध है लेकिन कैसा वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए ओनली कोरिलेशन। यस, हेलो टू ऑल। यस, अनिरुद्ध इज देयर, श्रद्धा इज देयर एंड युसानी इज देयर। ओके, सो वेलकम टू ऑल। हम लोग देखते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे डेवलप की जाती है। एक लीनियर रिलेशनशिप जो होती है वो कोरिलेशन देती है। कोई वेरिएबल एक्स है, कोई वेरिएबल वाई है, एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या दोनों का मिक्स है, वो दिखाने का काम कौन करता है, कोरिलेशन। मैथ्स में दोस्तों को का मतलब होता है कॉमन, रिलेशन, रिलेशन मतलब सिंपल रिलेशन। आपके बाजू में दिख रहे दो टाइप के रिलेशंस, ये दोनों टाइप के रिलेशन मैंने लास्ट टाइम में समझाए थे कैसे रिलेशंस होते हैं। यस, इसे समझने के लिए कोई मेथड होनी चाहिए और उस मेथड का नाम मैंने समझाया था आपको, रिग्रेशन एनालिसिस। वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले कि व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन एनालिसिस। इसी के साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे कि जैसे कोई चीज जब होती है तो उस दो चीजों के ऊपर कोई चीज में कोई रिलेशन होता है। जैसे मार्क्स एंड आईक्यू, जिस बच्चे का आईक्यू बड़ा उसके मार्क्स भी अच्छे, जिसका आईक्यू छोटा है उसके मार्क्स छोटे। रेनफॉल ज्यादा आ गया, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज्यादा आ जाता है। रेनफॉल कम हो गया, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी कम होता है। डिमांड एंड प्राइस का विषय में, डिमांड बढ़ गई प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई प्राइस कम हो गई, इस तरीके से चलेगा ये सभी कोरिलेशन। इसके बाद में हमने लास्ट टाइम देखा था बायवेरिएट डेटा, मैंने समझाया था XY XY की जो जोड़ी लेते हैं हम लोग, जैसे ग्राफ निकालते हैं उस ग्राफ के अंदर हम लोग X, Y मतलब 3, 2 ऐसा जो लिखते हैं, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम या वो कोऑर्डिनेट जो डेटा होता है वो दो दो की जोड़ी, उसी को ही हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे बायवेरिएट डेटा। यस, दैट इज बायवेरिएट डेटा, ऋषिकेश। यस, देन हम लोग अभी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कैसे होता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, किस तरह से इसको करना है, लेट्स डिस्कस इट नाउ। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में मैंने जैसे समझाया, को का मतलब कॉमन, रिलेशन मतलब रिलेशन। अब ऐसा समझ लो कि एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है, ठीक है, एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है। एक्स पर्सन और वाई पर्सन के बीच में दो देश पकड़ लो, अगर आपको समझना है और डिटेल में, कोई दो देश पकड़ लो, चलो एक इंडिया पकड़ लो, एक चाइना पकड़ लो। इंडिया एंड चाइना के बीच में संबंध कैसे है, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो कोई बोलेंगे कि सर बहुत अच्छे संबंध है। एक जमाना हुआ करता था जिसके अंदर रिलेशन बहुत अच्छे थे, उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन, संबंध अच्छे है भाई। मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा दूसरा भी नीचे। गुड फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, बेस्टीज, अच्छे फ्रेंड्स है, वो चीज है पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या हो सकता है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, मेरा और उसका जमता नहीं है, मेरा और चाइना का बिल्कुल नहीं जमेगा, हम लोग टोटल एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो ऊपर जाएगा तो मैं नीचे जाऊंगा, वो नीचे जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा,
ऐसी जो चीज है दैट इज निगेटिव कोरिलेशन। एंड लास्टली जीरो, जीरो को कभी कभी नो कोरिलेशन भी कहते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया और इंडोनेशिया या इंडिया एंड वियतनाम, मतलब ऐसी कोई कंट्री पकड़ लो कि जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। यस मतलब मेरा और उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं वो कौन है, वो अपना अपना अलग काम कर रहा है, मैं अपना अपना अलग काम करता हूं। दैट थिंग इज नथिंग बट द जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। यस जीरो कोरिलेशन या फिर यस 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 नो इनवर्स रिलेशनशिप भी आप लोग कह सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इनवर्स थोड़ा, हाँ इनवर्स भी कह सकते हैं, या जीरो कोरिलेशन के केस में हम लोग बोलेंगे कि वो अलग है और हम लोग टोटली अलग है। ठीक है, चलेगा। अब इसको इन डिटेल में समझेंगे एक एक चीज क्या है। सबसे पहले टॉप में है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जैसे ये एरोज देख लो क्या हो रहा है, वो एरो एक रेड एरो है एक ऑरेंज एरो है, दोनों एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझो रेड वाला जो है एक्स क्वांटिटी का है और वाई क्वांटिटी का ऑरेंज वाला है। एक्स क्वांटिटी बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ रही है, और एक्स क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो वाई क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। मतलब जो भी करेंगे दोनों साथ में करेंगे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर डिफाइन द पॉजिटिव कोरिलेशन, ये डेफिनेशन लिखना मत भूलिए। वेरी इजी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। एक वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा दोस्तों तो सिटीजन्स की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। इंडिविजुअल आपकी सबकी अगर हम सबकी अगर पेमेंट बढ़ जाती है, आमदनी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाता है, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। अगर हम लोगों की इनकम कम हो गई इंडिया का जीडीपी भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस तरीके से नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर किसी बच्चे का आईक्यू अच्छा है तो उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, उसका ग्राफ ऊपर ऊपर चला आता है, लेकिन किसी बच्चे का आईक्यू कम है तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउन 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 कम कम होता रहेगा। तो ये चीज है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेम डायरेक्शन में बढ़ने वाला, सेम डायरेक्शन में जाने वाला जो कोई वीक को दो क्वांटिटी होता है। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब दोनों भी ऊपर या दोनों भी नीचे, ये कहना है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब निगेटिव कोरिलेशन का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। यस एरोज देख लो, एक्स ऊपर जा रहा है वाई नीचे जा रहा है, अगर एक्स नीचे जा रहा है तो वाई ऊपर जा रहा है। रेड एंड ऑरेंज एरो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अप डाउन है, क्रॉस है, उल्टा है, इनवर्स है, अपोजिट है, निगेटिव कोरिलेशन है। मींस डिफाइन करने के लिए पूछा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी, कोरोना आया अचानक से, मास्क नाम की जो चीज है उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर बढ़ गया है डिमांड तो मार्केट में सप्लाई कम हो गया है तभी तो डिमांड बढ़ा है, और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होने लग गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग उस चीज को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ये सिंपल है, ओके। तो इसका जो एग्जांपल है वो भी याद रखना है हमें, कि प्राइस जो होता है वो प्राइस का भी इसी तरह से होता है, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस उसकी जो होती है वो राइज हो जाती है, वो तो पॉजिटिव कोरिलेशन में लिखना है, लेकिन डिमांड सप्लाई का आप निगेटिव कोरिलेशन में लिख सकते हो, या फिर मैंने जैसे एग्जांपल दिया वैसे। दूसरा एक एग्जांपल, इनकम, अगर मेरा इनकम अगर कम हो जाता है तो मेरी जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाती है, इनकम बढ़ता है तो मेरी एक्सपेंसेस बढ़ती है। ये एग्जांपल आप लोग पॉजिटिव कोरिलेशन में दे सकते हो। निगेटिव कोरिलेशन के लिए जो एग्जांपल्स है वो ऐसा है कि अगर समझो मेरे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मेरा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, मैं खर्चा जो करूंगा वो कम करूंगा, लेकिन अगर महंगाई कम हो गई, डिफ्लेशन आ रहा है, महंगाई कम हो गई तो मैं खर्चा ज्यादा करूंगा। इन शॉर्ट
महंगाई का रेट मतलब प्राइजेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे परचेसिंग पावर नहीं रहती, तो मैं कम खर्चे करता हूं, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, या महंगाई कम हो गई तो परचेसिंग पावर हमारी बढ़ जाती है, ये क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर निगेटिव कोरिलेशन हो गया। इसी प्रकार से होता है तीसरा नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। चेंज इन वन वेरिएबल इज नॉट रिलेटेड टू अदर वेरिएबल, एक में चेंज होना दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ पर्सन एंड इनकम ऑफ पर्सन, कुछ संबंध नहीं है, हाइट और इनकम का कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इधर दिखाया है तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, तू कौन मैं कौन, मैं एक दूसरे को जानता नहीं हूं। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये हाइट है बच्चे की और उसका आईक्यू है, तो हाइट और आईक्यू का भी कोई संबंध होता नहीं है। ऐसे कौन से भी दो क्वांटिटी जिसके अंदर कोई दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, यस यस इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो चीज जो बन जाती है दैट इज जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। यस क्लियर एवरीवन? यस चैट बॉक्स में अगर कोई डाउट है किसी को तो चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज फिर से दोहरानी है, तो मैं वापस से उसको एक बार आपको आपके लिए रिपीट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है एक बार समराइज कर लेते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में बढ़ता है, निगेटिव कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और नो कोरिलेशन में इसमें कोई किसी के साथ संबंध होता नहीं है। लेकिन इस कोरिलेशन को कैसे मेजर किया जाता है, कोरिलेशन को कैसे गिनते हैं, ये हमें जानना है। तो मेजर करने के लिए तीन चीजें हैं और ये तीनों के तीनों अपने को अच्छे से पढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। नंबर वन जो है हमारा आज जो हमें पढ़ना है दैट इज स्कैटर डायग्राम, हमें आज स्कैटर डायग्राम को खत्म करना है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन को पढ़ने का समझने के तीन तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से हमारे सिलेबस में होते हैं तीन, वो तीन ये है स्कैटर डायग्राम, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड लास्ट में होता है रैंक कोरिलेशन। ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ही हम लोग बोलते हैं कार्ल स्पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल स्पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब पढ़ाएंगे तब इन डिटेल में फिर से एक बार बताएंगे। चलो चालू करते हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम। दोस्तों आपको उस कोने के उस कॉर्नर में दिख रहा होगा एक स्कैटर डायग्राम का मैंने पिक्चर अटैच किया है, क्या दिख रहा है उसके अंदर, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिख रहा होगा और उसी के साथ में कुछ डॉट 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 लगे हुए हैं। उस डॉट डॉट में से एक लाइन गई, एक कर्व है, वो कर्व ऐसे ऊपर गया है, राइट है। अब सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि दिस इज रिलेटेड टू बायवेरिएट डेटा। ग्राफ आया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आया मतलब कोऑर्डिनेट्स आए, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर देख लिए, जो थ्योरी लिखी उसके अंदर देखो, लेट एक्स वाई आर बायवेरिएट डेटा, एक्स कॉमा वाई इज व्हाट बायवेरिएट डेटा, मतलब आप लोग सिंपल जो जानते हैं बचपन से करते आ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो वाली चीज की बात करी जा रही है। कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज बायवेरिएट डेटा ऑन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हमने पकड़ लिए। इफ एन पेयर्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर अगर हम लोग ऐसे एन पेयर्स बहुत सारे पेयर्स को हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे मुझे। मैं अगर 5-6 अलग अलग पेयर लेता हूं, 10-15 पेयर लेता हूं तो 10-15 डॉट आएंगे, 5-6 ले लिए तो 5-6 डॉट आएंगे। तो ये ग्राफ पेपर के हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्लॉट करेंगे। टेकिंग वन ऑफ द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर ऑन वाई एक्सिस, एक लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर एक लेंगे वाई एक्सिस के, जो डायग्राम हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज स्कैटर डायग्राम। तो बच्चों 2 मार्क के लिए अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज मीन बाय स्कैटर डायग्राम, तो आपको लिखते आना चाहिए। तो सिंपली ये 3-4 लाइनें आपको लिखते आनी चाहिए, क्या है वो चीज, लेट एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल बाय वेरिएट डेटा ऑन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ द एन पेयर्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ टेकिंग वन ऑफ द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, व्हाटएवर द डायग्राम यू विल गेट इन द ग्राफ इज कॉल्ड एज स्कैटर डायग्राम, उस चीज को हम लोग बोलेंगे स्कैटर डायग्राम। इट गिव्स जनरल आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये चीज जो है वो डेवलप करने के बाद, वो ग्राफ वगैरह सब निकालने के बाद, वो निकाल के भी दिखाएंगे आपको, वो ग्राफ निकालने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि जनरल आइडिया आता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कोरिलेशन कितना है क्या है, हमें बस इतना समझ में आता है कि वो कोरिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
जनरल आइडिया आता है कि वो कोरिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और किस टाइप का हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो किस टाइप का हो रहा है। यस शंतनु, यस एंड निकिता इज ऑल्सो गुड मॉर्निंग, यस यस। चलो नेक्स्ट, तो अभी स्कैटर डायग्राम के अंदर आपको डायग्राम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इन डायग्राम्स को। सबसे पहले यहां पे देखिए, मेरे जो हाथ दिखा रहा हूं मैं, जहां पे परफेक्ट लिखा हुआ है, परफेक्ट के ऊपर आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो ये आपको दिखेगा, यस सीधा 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 ऊपर 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 जा रहा है। एक लाइन में सारे पॉइंट से देखो, एक लाइन में परफेक्ट लिखा है। कौन सा टाइप है ये सर? ये है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। जो कोई कोरिलेशन किसी डायग्राम में अगर नीचे से ऊपर जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर नीचे से ऊपर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसका उल्टा क्या बोलेंगे? जैसे ये देखो नेगेटिव वाला, ये जो रेड सॉरी ब्लू में लगा है, वो ब्लू में इसके बाजू में, ये कर्व के बाजू में निगेटिव लिखा है, वहां पे देख सकते हैं क्या है वो दिख रहा है अपने को कि उसके अंदर नीचे नीचे जा रहा है। लेफ्ट टू राइट में अगर ऊपर से नीचे आता है ग्राफ तो समझ जाना कि दैट इज नथिंग बट व्हाट यू आर निगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव वाला ये है और निगेटिव वाला वो है, उन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस तो समझ में आया होगा। फिर आपको दिख रहा है कि यहां पे देखो हाई लिखा हुआ है, ये हाई क्या है? ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको बोलते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों हाई डिग्री बोला? ये परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक लाइन में सारे डॉट्स है, इसके डॉट्स देख लो, ये डॉट्स एक लाइन में नहीं है, थोड़े से डिस्पर्स है, फैले हुए है, यहां वहां गए, स्कैटर हो गए, इसलिए इसको हाई डिग्री बोलते। उसके बाजू में लो डिग्री है, उसके बाजू में जो है दैट दिस, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, दिस थिंग, जस्ट अ मिनट, ओके, ये जो है चीज, दिस थिंग, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो है वो लो डिग्री का है। क्यों लो डिग्री का है? क्योंकि हाँ राइजिंग नेचर है, लेफ्ट टू राइट में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि वो राइज तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स और भी डिस्पर्स है, यहां वहां फैले हुए हैं। इस केस में देख लो, इस केस में क्या हो गया? इस केस में तो बिल्कुल ही क्या हो गया, पूरा फैला हुआ है, कौन किधर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब नो कोरिलेशन, इसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं। इस केस में अगर आप लोग देखोगे, दिस इज निगेटिव कोरिलेशन, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड ये कर्व वाला अपने को है नहीं, एंड लास्ट वाला तो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए, पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सी है, हाई डिग्री वाला कैसा होता है, लो डिग्री वाला कैसा होता है, नो कोरिलेशन कैसा और निगेटिव कोरिलेशन कैसा, ये दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसका इन डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो स्कैटर डायग्राम जो होता है ना, वो स्कैटर डायग्राम के अंदर जैसे हमने अभी दो तीन एग्जांपल्स देखे, इस एग्जांपल्स को देखकर आपको कोई वैल्यू मैंने बताया क्या कि नहीं इसका वैल्यू ये है उसका वैल्यू वो है, भले ही वो हाई डिग्री हो लो डिग्री हो, मैंने कोई आपको वैल्यू नहीं बताया। यस गुड मॉर्निंग टू ऑल अश्विनी निकिता शंतनु एंड ऑल, यस। तो इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके अंदर से वैल्यू निकलता ही नहीं है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इट फेल्स टू गिव द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, इट इज इजी बट क्रूड एन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ मेजरिंग द कोरिलेशन। ये चीज इजी है, विजुलाइजेशन करके समझ में आ जाता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो कोरिलेशन है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती नहीं है, कोई एग्जैक्ट नंबर मिलता नहीं है, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेट मेथड है कोरिलेशन मेजर करने का। ओके, ये एग्जैक्ट मेथड हो सकता नहीं है। वी नीड टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बाय विजुअल जजमेंट ओनली, हम लोग जस्ट विजुअल हमारी आंखों से देखेंगे और जज करेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं। दोस्तों देखते हैं इन डिटेल में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। भाई ठीक से देख लो, ये बंदा भी देख रहा है, आप भी ठीक से देख लो। आपको ठीक से देखने के लिए इसको और थोड़ा जूम करते हैं और आपको ठीक से दिखा देते हैं कि कैसे है ये कोरिलेशन। यस, अभी आप लोग देख रहे होंगे
सबसे पहले है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। कैसे डॉट्स आए सबके, एक लाइन में आए कि नहीं आए, सब एक लाइन में अगर आ रहे हैं। और देखो लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में जब हम लोग जा रहे तब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इंक्रीजिंग नेचर दिखा रहे, ऊपर ऊपर जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर से एग्जैक्टली नीचे आ रहा है लेकिन एक लाइन में है, लेकिन वो लेफ्ट से अगर राइट में जाएंगे तो ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। उसके नीचे देखो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हाई डिग्री वाला है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन हाई डिग्री वाला है। हाई डिग्री वाला क्यों है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तो जा रहा है लेकिन कैसे जा रहा है, थोड़ा सा डिस्पर्स है, स्कैटर है, इसलिए ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पे हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन, क्यों, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आते आते क्या हो गया, डिस्पर्स हो रहा है, एक लाइन में नहीं है इसलिए। एंड लास्ट में अगर आप लोग देखोगे तो नो कोरिलेशन, यहां पे कोई कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के अंदर। देख लो इसके अंदर नो कोरिलेशन, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है तो वो भी नहीं चलेगा, हमें एक तो इंक्रीजिंग चाहिए नहीं तो डिक्रीजिंग चाहिए। प्लेन एक तो टेक ऑफ हो जाए नहीं तो लैंड हो जाए, प्लेन टेक ऑफ भी नहीं हो रहा है, लैंड भी नहीं हो रहा है, सीधा चल रहा है, नहीं चलेगा, दैट इज नो कोरिलेशन। ऐसे एक लाइन में ऊपर ऊपर जा रहा अगर होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दैट इज जीरो कोरिलेशन, या फिर नो कोरिलेशन, ये भी नो कोरिलेशन, और ये नॉन लिनियर नेचर में है। नॉन लिनियर नेचर का अपने को पढ़ना पड़ता नहीं है, अपने लिए सिर्फ तीन टाइप है, जीरो, जीरो के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये तीनों जीरो वाले हैं, और ये जो बाकी बचे हैं चार वो इंपॉर्टेंट, कि ये पॉजिटिव परफेक्ट, ये निगेटिव परफेक्ट, ये हाई डिग्री पॉजिटिव और ये लो हाई डिग्री निगेटिव। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। क्लियर एवरीवन, क्या होता है, कैसे होता है? यस, किसी को डाउट है तो प्लीज। यस यस, ओके ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग स्कैटर डायग्राम के अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। हम लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दो तीन मार्क के लिए या चार मार्क के लिए, कि राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ एंड डिमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। अगर स्कैटर डायग्राम का जो क्वेश्चन ग्राफ वाला है वो एक्चुअली देना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, वो आने के चांसेस कम है, लेकिन थ्योरी में के अंदर आपको ऐसी कुछ चीजें दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। चलो सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। स्कैटर डायग्राम इज अ सिंपलेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग द कोरिलेशन। यस, सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि आंखों में देखकर लगे समझ में आ जाता है, आंखों से देखकर कि क्या चीज है क्या नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है कि जीरो है। अगर राइजिंग नेचर है, टेक ऑफ दिख रहा है, तो मैं समझ लूंगा कि दिस इज यस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लैंड हो रहा है हमारा प्लेन तो हम लोग समझ लेंगे दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, और कुछ हो ही नहीं रहा है, कैसे भी डिस्पर्स्ड है, तो हम लोग समझेंगे कि जीरो कोरिलेशन, मतलब सिंपलेस्ट मेथड है। सेकंड चीज इसमें है इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं, निगेटिव किसको बोलते हैं, तो समझने से आसानी से समझ में आ भी जाता है, तो इसलिए इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि विजुअलाइजेशन है इसके अंदर इसलिए। एंड थर्ड, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कितनी भी बड़ी वैल्यूज आ जाए, कैसे भी वैल्यूज हो जाए, उसकी वजह से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी एक डॉट को पकड़ के अंदाजा नहीं लगाते, सारे डॉट्स जितने भी आते हैं उन सभी डॉट्स को पकड़ के हम लोग अंदाजा लगाते हैं। इन शॉर्ट, हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर नहीं जाते, इसलिए उसका इंफ्लुएंस, उसका परिणाम हमारे डायग्राम के ऊपर नहीं होता है। ओके, देन डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स के अंदर इट डज नॉट गिव द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन। हाँ, ये इसका डिमेरिट्स है। क्यों डिमेरिट्स है इसका, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि हम लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन से नेचर जान सकते हैं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता कोरिलेशन ये जान सकते हैं, एग्जैक्ट उसका मेजर नहीं दे सकते, तो इट डज नॉट गिव द न्यूमेरिकल मेजर। इतनी उसकी वैल्यू होगी, उतनी उसकी वैल्यू होगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना इस मेथड से तो भी मुश्किल है, इसलिए बाकी जो मेथड रखे हैं उसके अंदर हम लोग वैल्यू विल्यू सब बताएंगे, ये डिमेरिट है इसका। सेकेंड, सब्जेक्टिव मेथड है। यस, इट इज जस्ट टू स्टडी द सब्जेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आया, प्रॉब्लम को मैंने ड्रॉ किया, बस मुझे समझ में आ जाएगा कि कोरिलेशन है कि नहीं,
बस इतना ही मेरे को नॉलेज मिलेगा, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैं उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट लेके नहीं चल सकता कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं इसके अंदर कैलकुलेशन करता हूं। वैल्यू ही नहीं आती तो कैलकुलेशन कहां से होगा, इसलिए ये सब्जेक्टिव मेथड है। देन इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डेटा। यस, क्वालिटी के मामले में हम लोग कोई ग्राफ डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी के मामले में हम लोग कोई उसकी वैल्यूज असाइन नहीं करते, तो इसलिए उसका कोई ग्राफ नहीं आएगा। क्वांटिटी अगर दी रहेगी, क्वांटिटेटिव डेटा अगर दिया रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग ग्राफ मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्या क्वालिटी भी उसके सामने रखी गई है, क्वालिटी का क्या अंदाजा है, ये कोई अंदाजा हमें इस पर्टिकुलर मेथड से लगता नहीं है। ओके, चलिए उसका एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर लेंगे और उसके अंदर से समझेंगे हर चीज को, कैसे करना है कैसे नहीं। अभी पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमें पूछा गया है कि ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम एंड कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके लिए जो वैल्यूज नीडेड होती है वो वैल्यूज आपको एग्जाम में दी जाती है। जैसे आपको ये टेबल दिया जाएगा, इस टेबल के अंदर आपको एक्स की वैल्यू जितनी भी है वो दी जाएगी, वाई की वैल्यू जितनी भी है वो सारी वैल्यूज आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसे 63, 69, 61, 65, इस तरीके से सारी वैल्यूज गिवन है। अभी इस वैल्यूज को देखकर आपको ये समझना होता है कि इसका लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टर्म कहां पे है, तो मुझे स्केल क्या लेनी चाहिए, तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्केल चुननी पड़ेगी। जैसे सबसे छोटा जो नंबर था वो 52 था, तो हमने स्टार्ट भी कहां से किया, 52 से। एक्स के केस में सबसे छोटा नंबर जो है वो 52 है, इसलिए 52 से स्टार्ट करना है, या 50 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो छोटा होगा उससे कम। फिर दो दो का गैप लेके हमने एक एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क किया, दो दो का गैप लेके हमने वाई एक्सिस के ऊपर मार्क किया, और बाद में जाके हमने ये जो पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है 63, 69, तो 63 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बीचों बीच में, और 69 कहां पे होगा, यस 63 ओके इसके साथ में, और 69 68 के ऊपर। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये डॉट उसका आएगा। नेक्स्ट आपका बायवेरिएट डेटा कौन सा है, ये पेयर पेयर है एक्स वाई की, देखो ये एक पेयर दी है, ये एक अलग पेयर है, ये एक अलग पेयर है, ऐसे पेयर पेयर में डेटा दिया है 61, 65। तो जाएंगे 61 के ऊपर, यस इन दोनों के बीच में, और 65 बोलेंगे तो 64 के ऊपर, मतलब यही कहीं पे वो डॉट आएगा। अब ये डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक आपको अंदाजा आने के लिए है। तो ऐसे हम लोग अलग 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 पॉइंट प्लॉट करेंगे, जितने हमें डेटा दिया जाएगा उतना। वो पॉइंट प्लॉट करने के बाद में ग्राफ तैयार होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके में देखकर, मतलब ग्राफ देखकर क्या समझ में आता है हमें, कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैसे ये टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। पॉइंट ऐसे नीचे नहीं बन रहे, पॉइंट ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं बन रहे, वो कहां पे बन रहे, इन बिटवीन बन रहे। तो इसलिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ हाई डिग्री बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब पॉइंट्स तो है, एक लाइन में नहीं है, थोड़े से डिस्पर्स्ड है, लेकिन सभी के सभी पॉइंट्स नीचे से ऊपर 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 जा रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो स्कैटर डायग्राम है वो हमें पॉजिटिव कोरिलेशन दे रहा है। यस, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन दे रहा है। यस यस यस, ओके ओके, नो इश्यू। अभी ऐसा जो सब कुछ है, हर एक टॉपिक को हमें पढ़ना है, लेकिन यहां तक स्कैटर डायग्राम खत्म, इतना ही होता है स्कैटर डायग्राम पढ़ने के लिए। स्कैटर डायग्राम के अंदर इतना ही चीज है जो अपने को याद रखना है, ज्यादा कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक बार फिर से इसको सम अप कर देता हूं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखा, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सेम डायरेक्शन में बढ़ना या घटना, देन निगेटिव कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना या घटना, जीरो कोरिलेशन जिसके अंदर कोई एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कोई रिश्ता होता नहीं है। थर्ड चीज हमने देखी कि उसको गिनने के तीन तरीके हैं, एक होता है स्कैटर डायग्राम, फिर प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। उसमें सबसे पहला स्कैटर डायग्राम हमने आज स्टडी किया, स्कैटर डायग्राम का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताया, उसके बाद में उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। फिर स्कैटर डायग्राम के अंदर और क्या चीज होती है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, विजुअलाइजेशन से होती है, ये हमने जाना। और फिर उसके जो टाइप्स है वो टाइप्स अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए, कौन से टाइप्स है, क्या क्या होता है। एग्जाम में आपको जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम
एंड एक्सप्लेन इट, ये एक्सप्लेन द स्कैटर डायग्राम, तो इसकी आपको मदद होगी। इसमें से जो जो ग्राफ आपको याद है उतने ग्राफ शॉर्टकट में आप वहां पे ड्रॉ कर देना, और जो थ्योरी मैंने पहले बताई वो थ्योरी भी थोड़ी उधर लिख देनी है। फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अगर आपको पूछते हैं या नहीं भी पूछते तब भी आपको अगर लिखने आते हैं तो लिख सकते हैं क्या इसके डिमेरिट्स एंड मेरिट्स होते हैं। एंड लास्टली इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया किस तरीके से एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता नहीं है, लेकिन जस्ट इट इज गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक, दैट्स वाई आई हैव टेकन ओवर हियर। बाकी इसका कोई एग्जाम्पल की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सॉल्व करने जैसा या न्यूमेरिकल देने जैसा बहुत अलग अलग चीज है, उसको हम लोग इन डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड टुडे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात किया था कि हम लोग हर हमेशा एक नया वर्ड सीखेंगे, हर लेक्चर के एंड में हम लोग थैंक यू बोलने का अपना एक अलग तरीका अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से बनाएंगे। तो लास्ट टाइम मैंने फ्रेंच में मर्की बताया था और आज है डैंके। ये जो होता है ये वर्ड है जर्मन वर्ड टू से थैंक यू। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए, और KKCA का ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर सारे लेक्चर्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी है तो अभी भी वक्त है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करते रहिए, भेजते रहिए। तब तक के लिए बाय।